ओए माशाल्लाह, आप तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। रानी कहाँ चली गई? राजा तुम्हें नहीं बताया उसने? काम देखें भाई टाइगर के, मस्ती मूड ऑन हो गया है टाइगर का। टाइगर क्या बात है भाई, खेलने का मूड है? हमारे पास ना सारे फैंसी पिजन्स हैं और बहुत ही मुश्किल से ये ब्रीड करते हैं। कभी अंडे खराब हो जाते हैं, कभी बच्चे उनमें से निकल नहीं पाते, कभी बच्चे अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। शाबाश, आ जाओ, कुछ नहीं कह रहा ना, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले तो हमारी डक्स को एक खाना दे देते हैं। आज सुबह सुबह मैं इनके लिए खाना लेके आ गया हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ सारी डक्स। और देखें ये मुर्गी भी आ गई, डक्स भी आ गई, और राजा भी देखें दोस्तों हमारा यहाँ पे घूम रहा है। और दोस्तों एक बैड न्यूज़ है, आज हमारी रानी पता नहीं कहाँ चली गई है। दोस्तों कल शाम को ना हमारी रानी पता नहीं कहाँ चली गई है। पूरा गाँव मैंने ढूंढ लिया है, मैंने भाई ने पूरा फार्म पूरा विलेज सब कुछ ढूंढ लिया है, रानी मिल नहीं रही है। दोस्तों कल शाम के टाइम पे ना रानी कहीं चली गई है और वो मिल ही नहीं रही है। बहुत ढूंढा है हमने, राजा बेचारा देखे यहाँ पे अकेला हो गया है। राजा तुम अकेले हो गया ना, कहाँ चली गई रानी? दोस्तों इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था ना राजा कल शाम के टाइम पे, और अब भी देखें कैसे मायूस होकर ना यहाँ पे बैठ गया हुआ है। रानी कहाँ चली गई? राजा तुम्हें नहीं बताया उसने? दोस्तों पता नहीं कहाँ चली गई है रानी, इतना ढूंढा है हमने, इतना ढूंढा है कल से लेके भाई, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रही। यहाँ पे पूरा फार्म हमने ढूंढा है, और वहाँ जो केले का बाग है ना, बनाना का बाग, वहाँ पे ढूंढा है, विलेज में बाहर ढूंढा है, बहुत ढूंढा है दोस्तों, लेकिन नहीं मिल रही। तो राजा बेचारा देखे यहाँ पे ना अकेला हो गया है। राजा कोई मसला नहीं यार, इधर आओ ना, देखें भाई अब डर रहा है मुझसे। चलो जाओ वहाँ, तुम भी हम सबके साथ खाना खा लो, ठीक है? रानी इंशाल्लाह आ जाएगी, परेशान ना हो बिल्कुल भी। चलो जाओ जाओ जाओ, ओए वहाँ पे जाओ ना राजा, उन सबके साथ खाना खाओ। चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश, चलो जाओ वहाँ उन सबके साथ। देखें भाई राजा की यही आदत होती है, सबके साथ कभी भी ये खाना नहीं खाता। ये बोलता है कि भाई मुझे ना सेपरेट खाना चाहिए, अब जैसे भी दो जो भी करो तुम्हारी मर्जी है, मुझे चाहिए सेपरेट खाना इन सबके साथ। देखें बिल्कुल भी नहीं खाएगा, वहाँ भागे जा रहा है। और रानी का भी पता नहीं चल रहा दोस्तों, पता नहीं कहाँ चली गई है, बहुत ढूंढा है हमने, मिल ही नहीं रही है। और ये देखें डक्स को, देखें भाई इनके काम चेक करें। इतना बड़ा मैंने इनको पूल बना के दिया है दोस्तों, ये फुल करके रखते हैं हम, लेकिन फिर भी इसमें नहीं नहाती। इनको ना यहाँ पर नहाना होता है, जो पिट्टी सा पानी होता है ना, जहाँ भी इनको थोड़ा बहुत भी पानी मिलता है ना, वहाँ बैठ जाती है नहाने के लिए, लेकिन पूल के अंदर नहीं आती। तो इसी वजह भाई पूल को ना अब हम बिल्कुल भी नहीं भरते, इसको खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे घूम रहे होते हैं ना दोस्तों, तो इसी वजह से भाई बच्चों के लिए खतरा है, तो इसको ना हमने खाली कर दिया हुआ है अब, के भाई फायदा तो है नहीं इसका। डक्स हमारी नहाती नहीं है इसके अंदर, बाकी बच्चे यहाँ पे घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे देखें पार्क में बच्चों के खिलौने सारी गंदी करके रखी है, सारे काम बच्चों के हैं दोस्तों, इंशाल्लाह इसकी भी हम सफाई करेंगे। लेकिन रानी को ढूंढ रहे हैं हम, अब भी ढूंढ रहे हैं भाई, अभी भी बाहर गया हुआ है, लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई हमारी मोरनी जो व्हाइट कलर की थी ना, वो किसी ने देखी तो नहीं, लेकिन कहीं से भी नहीं मिल रही। आप लोगों ने दोस्तों दुआ करनी है कि रानी हमारी जल्द से जल्द मिल जाए। और कल ना उसके अंडे देने का दिन था दोस्तों, कल उसने ना चौथा अंडा देना था, तीन अंडे उसने दिए थे और कल ना चौथा अंडा देना था, लेकिन तब पता नहीं कहाँ गायब चली गई। कल ना तकरीबन 3 बजे के टाइम पे दोस्तों मैं गया था ऊपर रानी को देखने कि उसने अंडा दिया तो नहीं है, लेकिन उसने अंडा नहीं दिया। और जब मैं वापस आया ना शाम के टाइम पे पता नहीं कहाँ चली गई, हो सकता है कहीं अंडा देने के लिए गई हो, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। पूरी रात हो गई है, सुबह के टाइम भी हम बाहर गए हैं, केले के बाग में गए हैं उसको ढूंढने, लेकिन नहीं मिल रही हमें। तो आपने दुआ करनी है कि जल्दी से यार रानी हमारी मिल जाए, क्योंकि वो अब अंडे भी दे रही थी। अब दोबारा से दोस्तों उसने ना अंडे देना स्टार्ट कर लिए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब होगी। बाकी डक्स को और मुर्गियों को भी मैंने खाना दे दिया है, देखिए सारी मुर्गियाँ यहाँ पे खाने पर आ गई हुई हैं, और डक्स ने ना अपना खाना छाना खा के यहाँ पे पानी पे आ गए हुए हैं। और अंडा तो नहीं दिया भाई तुम लोगों ने, अंडा दोस्तों यहाँ पे देती हैं अब हमारी डक्स ना, यहाँ पे अंडे पड़े होते हैं। मैं जब भी आता हूँ, सुबह भी आया था ना, 2-3 अंडे पड़े हुए थे, लेकिन भाई वालों ने उठा लिए होंगे। और देखें यहाँ पे घूम रहे, तुम लोग पूल में क्यों नहीं नहाते भाई? इतना प्यारा पूल बनाया है तुम्हारे लिए मैंने, और इसे चेक करें, देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। ओए एक मिनट रुको तो यार, अब पकड़ने भी नहीं दे रहा। देखें ये, देखें भाई ये पिट्टी सा था दोस्तों, आपको याद होगा ना, देखें अब कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। और मुझे लगता है ये ना मेल बनेगा दोस्तों, इसके जो काम है ना अभी से मेल वाले लग रहे हैं मुझे। ये देखें अब कितना बड़ा हो गया, तो भागे जा रहा है, पकड़ ही नहीं दे रहा। इंशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा फाइटर मेल बनेगा। हाँ भाई तुम फाइटर, ओए रुको तो सही, भागे क्यों जा रहे हो मुझसे? जैक और टाइगर पता नहीं कहाँ चले गए। जैक वहाँ पे अक्सर रहते हैं दोस्तों, आपको पता है ना, वहाँ उस वाले बाड़े में रहते हैं, जैक और टाइगर दोनों वहाँ पे रहते हैं। जैक टाइगर देखना दोस्तों वहाँ पे रहते हैं, मैं जैसे ही बुलाऊंगा ना देखिए आ जाएंगे। जैक जैक टाइगर, जैक टाइगर पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो निकल ही नहीं रहे, कहाँ चले गए भाई? जैक टाइगर, ओए ये देखिए आ गया टाइगर, कहाँ से आया ये, वहाँ से आया ये रहा टाइगर। और इसे देखिए माशाल्लाह बड़ा हो रहा है भाई आहिस्ता आहिस्ता अब ये, और वजन भी कर रहा है अब ये आहिस्ता आहिस्ता। हाँ भाई टाइगर कैसे हो, ठीक हो? जैक कहाँ चला गया? टाइगर जैक नहीं मिल रहा, जाओ उसे ढूंढ के आओ, पता नहीं कहाँ चला गया। जाओ जाओ जाओ, जाओ शाबाश, जैक को ढूंढ के आओ, कहाँ चला गया? तुम्हारे साथ होता है ना वो, तो क्या हो गया टाइगर? आ जाओ आ जाओ टाइगर, आ जाओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खेलते हैं
जेक को पता नहीं कहाँ कर दिया तुमने। ओए ओए क्या हो गया टाइगर, ऐसे तो ना करना यार। आजा आजा शाबाश, आ जाओ। क्यों डर रहे हो, क्या हो गया भाई तुम्हें? ओए शाबाश, यहाँ पे आ जाओ। क्यों डर रहे हो, क्या हो गया? बैठो बैठो शाबाश, बैठो सिट बैठो ना यार। ये देखें भाई, मस्तियाँ देखें इसकी। हाँ खेलने का मूड है टाइगर, आ जाओ ना खेलते हैं। आ जाओ शाबाश, ऐसे खड़े हो जाओ। ये काम देखें भाई टाइगर के, मस्तियाँ देखें टाइगर की, काम देखें भाई टाइगर के, मस्ती मूड ऑन हो गया है टाइगर का। टाइगर क्या बात है भाई, खेलने का मूड है। हाँ आ जाओ खेलते हैं। आ जाओ ऐसे नहीं करो ना यार, आ जाओ खेलते हैं अपन, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। आ जाओ उठो, आ जाओ शाबाश, ये चीज़ आ जाओ। वाह टाइगर, आ जाओ टाइगर, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। हाँ ये बात, टाइगर को मैंने पकड़ लिया है दोस्तों, और आ जाओ अब तुम्हारी बारी, मुझे पकड़ो। हाँ ये चीज देखें कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों टाइगर खेलते हुए। आ जाओ शाबाश। जैक कहाँ चला गया? आ जाओ जैक को ढूंढते हैं, जैक को ढूंढते हैं भाई, क्या हो गया? ओए नाक कर गंदे, जैक कहाँ गया भाई? जैक पता नहीं कहाँ चला गया दोस्तों जैक। अच्छा तुम भी जाओ यहाँ पे बैठ जाओ ना, यहाँ पे ठंडी हवाएं लग रही है। और दोस्तों देखें हमारी भैंस को और इसकी बछड़ी को, सबको भी देखें फुल चारा लग गया है। और इसको देखें कट्टे को भी चारा लगा दिया है भाई ने, सबको यहाँ पे चारा लगा दिया है। और अब देखें, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो? इतने ज्यादा डरते हैं ना दोस्तों ये। अच्छा ना आराम से आ जाओ खा लो, आ जाओ शाबाश खाओ, आ जाओ कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें। टाइगर को देखें यहाँ पे आ गया मेरे पीछे पीछे, और माशाल्लाह इसको भी देखें फुल लगा दिया है हमने चारा, और ये नहीं डर रहा यार। आ जाओ मेरे हाथों से खाओ, आ जाओ शाबाश आ जाओ, और कुछ नहीं कह रहा ना, आ जाओ लो खाओ शाबाश। नहीं खाना, अच्छा चलो खुद ही खाओ। मोटू जी कबूतरों के पास दोस्तों जो अंडे थे ना दो, एक तो पहले ही खराब हो गया था, और एक जो इनका अंडा था ना वो बिल्कुल ठीक था दोस्तों। लेकिन इन्होंने ना भाई कल शाम के टाइम पे मैं जैसे ही आया देखने के भाई बच्चा सच्चा निकला या नहीं निकला, बिल्कुल रेडी था दोस्तों वो, और उसमें ना बच्चा निकलने ही वाला था कि भाई इन्होंने ना वो अंडा तोड़ दिया। अब ये पता नहीं कि इन्होंने तोड़ा है या इनमें से किसी और कबूतरों ने तोड़ा है। वैसे दोस्तों किसी और को भाई जरूरत नहीं होती कि मोटू जी के ना नेस्ट के पास जाए, हो सकता है ये काम ना इनके बच्चे का हो। ये जो बच्चा है ना दोस्तों, एक इसी को ही जरूरत हो सकती है उनके पास जाने की, बाकी भी किसी को जरूरत नहीं होती के मोटू जी के नेस्ट के पास जाए। ओए माशाल्लाह यहाँ पे देखें लंबू जी ने ना दोबारा से नहीं भाई, बहुत मरतबा इन्होंने अंडे दिए हैं, लेकिन पता नहीं दोस्तों क्यों इनके अंडे कभी खराब हो जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, और कभी उनमें से बच्चा निकल आता है तो मर जाता है। अब ना इसने दोबारा से अंडा दे दिया है, और ये बच्चा देखते हैं भाई कि कौन सा कलर निकाल रहा है ये बच्चा। हाँ भाई कौन सा कलर निकाल रहे हो तुम, इधर आ जाओ बाहर आ जाओ। ओए माशाल्लाह अब तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, और इसने ना भाई अपने बाप से भी डिफरेंट कलर निकाल रहा है, तेज कलर निकाल रहा है दोस्तों। इसका फादर जो है ना वो ये है, गुब्बारा जो है ना ये इसका बाप है। और लाइट ऑन कर देता हूँ और आपको कलर दिखाता हूँ इसके, ये देखें थोड़ा डिफरेंट कलर निकाल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये ना क्रॉस ब्रीड का बच्चा है। इसका फादर ये वाला गुब्बारा है, और इसकी मदर ये वाली है फ्रिल बैग की। ये देखें अब जोड़े को ना मैं एक साथ करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इसकी माँ है, और ये जो गुब्बारा है ना ये इसका फादर है। ये पता नहीं क्यों ऐसे हमारे पास जोड़ा बन गया था, और इन्होंने अंडे दिए थे, और माशाल्लाह ये देखें इसका जो सर है ना देखें आधा आधा कलर का आ रहा है। और लंबू जी तुम बताओ तुम कब दोगे ब्रीड? दोस्तों इन्होंने ना हमारे पास बहुत मरतबा अंडे दिए हैं, लेकिन लंबू जी है ना दोस्तों इनकी पता नहीं ब्रीड में क्या मसला है, बहुत मरतबा दोस्तों ये फैंसी पिजन है ना इनकी ब्रीड थोड़ी हार्ड होती है। अंडे बच्चे तो बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन कभी अंडे खराब हो जाते हैं, कभी इनके बच्चे मर जाते हैं। बहुत हार्ड ब्रीड होती है दोस्तों इनसे लेना, जो भी फैंसी चीजें है ना उनसे ब्रीड लेना बहुत हार्ड काम होता है दोस्तों। हमारे पास ना सारे फैंसी पिजन है, और बहुत ही मुश्किल से ये ब्रीड करते हैं, कभी अंडे खराब हो जाते हैं, कभी बच्चे उनमें से निकल नहीं पाते, कभी बच्चे अंडे के अंदर ही मर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा भाई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और मैं इसी वजह से दोस्तों आपके साथ शेयर करता रहता हूं कि भाई आपको भी शौक होगा ना फैंसी चीजों का, तो आप देख लेंगे भाई कैसे इनकी ब्रीडिंग का क्या प्रोग्रेस होता है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, और कैसे ये ब्रीड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ओके है सब, इसके अंडे देख लेते हैं, ये देखें इसके अंडे भी अल्हम्दुलिल्लाह से ओके हैं। अभी टाइम है दोस्तों इनके अंडों में से ना बच्चे निकलने में, ये फ्रिल बैग का पेयर है, ये देखें एक ये रहा एक ये रहा, और ये ना बच्चा है इन्हीं का, ये मदर है और ये फादर है, और ये बच्चा देखें ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें। अच्छा भाई अच्छा तंग नहीं करता, और मोटे के ना भाई अंडे खराब हो गए। तो दोस्तों आज के लोग को करते हैं मैं भी एंड, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।